नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नेहा की पाकशाला में। मकर संक्रांति आने ही वाली है और इस अवसर पर हम सभी तिल गुड़ और मूंगफली से बनी हुई चीजें घर में बनाते भी हैं और दान भी करते हैं। और इस मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और हेल्दी तिल मूंगफली के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं। तिल मूंगफली के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो गुड़ लिया है, जिसको कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है जिससे कि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। 200 ग्राम तिल, 300 ग्राम मूंगफलियाँ ली हैं जिनको कि मैंने ड्राई रोस्ट करके उनका छिलका निकाल लिया है, और साथ ही में 1 टेबलस्पून घी लिया है। सबसे पहले हम पैन में तिल डालेंगे, गैस को मीडियम लो रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए तिल को हल्का सा कलर चेंज होने तक ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तिल की तासीर गर्म होती है और इससे बनी हुई चीजें बेहद स्वादिष्ट और फायदेमंद होती हैं। और सर्दियों में तो तिल से बनी हुई चीजों को जरूर खाना चाहिए, बहुत ही ज्यादा फायदा करता है तिल सर्दियों में। तिल ड्राई रोस्ट हो गए हैं तो अभी हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सेम पैन में हम गुड़ डालेंगे और साथ ही में घी भी डाल देंगे। घी डालने से लड्डुओं में बढ़िया शाइन आएगी और गुड़ जलेगा भी नहीं। गैस को मीडियम लो फ्लेम पर ही रखना है और बीच बीच में चलाते हुए पहले हम गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। गुड़ हमारा पूरा मेल्ट हो गया है तो अभी हम मीडियम लो फ्लेम पर ही गुड़ को थोड़ी देर के लिए लगभग 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। और अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है, वरना ये जो गुड़ है हमारा वो जलने लगेगा। और जितना चिक्की के लिए हम गुड़ को पकाते हैं उतना लड्डुओं के लिए नहीं पकाना है, वरना जो लड्डू है ना वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। 2 मिनट हुए हैं अभी हमें गुड़ को पकाते हुए और आप देख सकते हैं कि इसमें काफी झाग आने लगा है। तो इस तरह से जब झाग आने लगे गुड़ में, उसके बाद गुड़ को बस 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना रहेगा। 3 मिनट बाद आप देखिए गुड़ का जो कलर है वो चेंज होने लगा है, तो एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। उसके लिए एक कटोरी में पानी लेंगे, थोड़ा सा गुड़ इसमें डालेंगे और 1 से 2 सेकंड के लिए ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे और गुड़ को लगातार चलाते रहना है। तो अभी आप देखिए जो गुड़ है वो एकदम कड़क हो गया है और पानी में जल्दी से घुल भी नहीं रहा है, मतलब कि ये लड्डुओं के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम तिल और ये मूंगफलियां भी डाल देंगे साथ में। अब तिल और मूंगफली को हम गुड़ के साथ अच्छे से और जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे। तिल और मूंगफली गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये हमने एक प्लेट ली है जिसको कि हमने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है, जिससे कि जो मिक्सचर है ना लड्डुओं का वो इसमें चिपके नहीं। अब लड्डुओं के मिक्सचर को हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। ये जो मिक्सचर है लड्डुओं का ये काफी गर्म है, तो हाथों को घी से ग्रीस कर लेंगे पहले, जिससे कि हाथ हमारे जलेंगे नहीं। अब इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं जिससे कि ये सेट ना हो जाए। अब थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और हल्का हल्का दबाते हुए हाथों के बीच में रोल करेंगे और मीडियम साइज के लड्डू बना लेंगे। और अभी इस स्टेज पर हमें काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना है, वरना ये जो मिक्सचर है ये सेट होने लगेगा और लड्डू बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप घी की जगह हाथों में हल्का हल्का पानी लगाकर भी लड्डू बना सकते हैं। घी या पानी हाथों पर लगा लेने से हाथ जलते नहीं है और लड्डू जल्दी जल्दी और आसानी से बन भी जाते हैं। इसी तरह से हमें सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेने हैं। ये हो गए हमारे तिल मूंगफली के बेहद स्वादिष्ट लड्डू तैयार। खाने में तो टेस्टी है ही और ये लड्डू बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत ही हेल्दी भी है।
तो इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप भी अपने घर पर ही लड्डू बनाइए और त्योहार का अपनी पूरी फैमिली के साथ भरपूर मजा लीजिए। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैप्पी मकर संक्रांति।